नई दिल्ली से खबर शामिल करते हैं, जहां पर भारतीय रियासत ओडिशा में कॉलेज के एक नए तालिबे इल्म को रैगिंग के दौरान एक नाबालिग लड़की को चूमने पर मजबूर किया गया। वाकये की वीडियो वायरल होने के बाद दो नाबालिगों समेत पांच तालिबे इल्मों को जिनसी तौर पर हरासा करने समेत मुतअद्दिद इल्जाम के तहत हिरासत में ले लिया गया। जिला गंजाम के कॉलेज ने इस वाकये में मुलव्वस 12 तलबा को निकाल दिया है। इस महीने के शुरू में हैदराबाद के कॉलेज में एक नए तालिबे इल्म को जिस्मानी तौर पर बदसलूकी का निशाना बनाए जाने के बाद ये ताज़ा तरीन वाकया है, जिससे सोशल मीडिया पर गम और गुस्सा फैल गया है। NDTV के मुताबिक फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म ने गुज़श्ता माह गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया था। उसे एक ग्राउंड में सीनियर लड़कों ने एक नाबालिग लड़की का बोसा लेने पर मजबूर किया। हाथ में डंडा लिए नजर आने वाला मुलजिम लड़के को थप्पड़ भी मारता है जब वो इससे बहस करने की कोशिश करता है। चौंका देने वाली बात यह है कि दूसरी लड़कियों के सामने ये वाकया पेश आया और वो जिनसी हर आसानी के खिलाफ एहतजाज करने के बजाय हंसते हुए नजर आईं।